कोलकाता के रॉयल पैलेस में नाहिद फाउंडेशन की जानिब से बच्चों में ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया, जो वार्ड नंबर 62 की कोऑर्डिनेटर सना अहमद और तृणमूल कांग्रेस के लीडर मोहम्मद इकराम के अलावा कई समाजी और सियासी शख्सियत मौजूद थे। आइए सुनते हैं। बात दूंगी नाहिद को कि ऐसा इनिशिएटिव उसने लिया है, और सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि इतने सारी सोशल एक्टिविस्ट लेडीज जो हैं उसको इनकरेज करने के लिए, उसका साथ देने के लिए आज यहाँ मौजूद है। मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद दूंगी, ऑल द बेस्ट कहूंगी कि ये सिर्फ ये प्रोग्राम करके ख़त्म करना नहीं है, इस तरह का और भी इवेंट्स और भी ऐसा प्रोग्राम्स करो, एंड वट एवर सपोर्ट नीडेड हम लोग हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ। काफ़ी एन जी ओ जो है नई एन जी ओ आ रहे हैं मार्केट में, और पूरा नए तो ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो है फंडिंग होता है लाख लाख रुपए फंडिंग होता है और 20,000 खर्च करते हैं 80,000 जेब में, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कोई एनजीओ चलाती नहीं हूँ, आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और हम लोग सोशल वर्क ऐसे ही करते हैं, ना कोई फंडिंग लेते हैं ना इस तरह का चीज़ से मैं अवेयर हूँ जो आप अभी कह रहे हैं। मगर यही कहूँगी कि आप पूरे ईमानदारी से करिए, जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए। एनजीओ शुरू करना मतलब एक अच्छे नीयत के साथ करिए, अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो नीयत अच्छा रखिए, दिमाग साफ रखिए, उस तरह से करिए, और कोई प्रॉफिट मेकिंग उस चीज़ को मत बनाइए। मगर जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं, अंदर भी आप देखिए बच्चे जो आज पार्ट लिए ड्राइंग कंपटीशन में बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडियाज लगाकर ड्राइंग कर रहे हैं। अभी जैसे पूजा का वक्त है तो माँ दुर्गा का ड्राइंग उन्होंने बनाया है, एक बच्ची ने माँ दुर्गा की जगह एक डॉक्टर को बनाया है, उसके हाथ में इंजेक्शन है और कोरोना वायरस को वो इंजेक्ट कर रही है। तो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन विद चिल्ड्रन आर हैविंग, यही है दिख रहा है कि बहुत ऐसे इवेंट्स करने से बच्चों का खुद दिमाग खुलता है, तो ये सब प्रोग्राम्स को मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी। आज ये प्रोग्राम करने के एक ही मकसद था कि 2 साल से कोविड का लेकर सब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो ये हम लोग का ये मकसद हुआ कि बच्चे लोग आएंगे एक साथ इंजॉय भी करेंगे, इंटरटेन भी होगा, यही वजह से हम लोग आज ये प्रोग्राम रखा है। और ड्राइंग कंपटीशन भी था, क्विज कॉन्टेस्ट भी था, सब बच्चे को हम लोग, कुछ बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए तो बाकी तो बच्चे नहीं आए क्योंकि 70 बच्चा है, तो उसके लिए हम लोग सबको प्रोवाइड सर्टिफिकेट किया है, मेडल दिया है, गिफ्ट दिया है कि बच्चे लोग जाएंगे अप्रिशिएट होंगे, खुश होंगे कि हाँ कहीं गए तो अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का इवेंट होने वाला है, फैशन शो बच्चे लोग का होने वाला है और बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं, दिसंबर जनवरी कमिंग सून है, अभी हम लोग डेट बता नहीं सकते, अभी जैसे अभी सिचुएशन है मन के लिए ऐसी, तो हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, बहुत सारी चीज़ देते हैं। ये नया हम लोग सीट एंड ड्रॉ रखा एक बच्चे के लिए, और भी हम लोग का कुछ इरादा हो रहा मकसद है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे, अब पता चल जाएगा आप लोग को। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग आए इस प्रोग्राम में, चार चांद लगाए। इसके अलावा हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं अपने बिजी शेड्यूल निकाल करके इतनी बारिश में भी आए हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ये उन लोगों का हमारे लिए एक बहुत बड़ा इज्जत था जो उन्होंने हमें दिया। और ये ड्राइंग कंपटीशन करने का आज सिर्फ यही एक मकसद था, क्योंकि बच्चे लोग इतने दिन से जो घर पे आज पैक होकर के ऑनलाइन क्लासेस में ही वो लोग का लाइफ शेड्यूल पूरा बिजी हो गया, तो हम लोगों ने कोशिश की ताकि उन्हें एक छोटी सी गेट टुगेदर करके कोरोना का प्रोटोकॉल को भी फॉलो करके एक छोटी सी कॉम्पिटिशन करें, ताकि उनका एक मोटिवेशन हो, आगे वो और भी अच्छे से अच्छे काम कर सके, वो अपने पढ़ाई में और थोड़ा ध्यान दे सके, और ये इसको करने का यही एक खास मकसद था। हम लोगों ने कोशिश किया है आज तक, जो भी करने की कोशिश की हम लोगों ने अपने तरफ से किया है, बिकॉज हम लोग आज डोनेशन में बिलीव नहीं करते, हम लोग जो भी करते हैं हम लोग अपने खुद के पॉकेट से करते हैं। आज तक हमने किसी से डोनेशन लेके आज तक जब भी कोई भी प्रोग्राम किया, चाहे वो खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, या ये कॉम्पिटिशन हो, इसका जो भी कॉस्ट बियर होता है वो हम अपना पॉकेट से ही बियर करते हैं, हम डोनेशन में बिलीव नहीं करते हैं। नहीं, ये बात मैं काटना चाहूँगा, क्योंकि जब यूज काम करेंगे बड़े पैमाने पे, जब आप एनजीओ चलाएंगे बिल्कुल, तो आपको डोनेशन की जरूरत है, बिल्कुल डोनेशन लेना गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल इसको कैसे खर्च करना है वो मैं बहुत बड़ी बात, बिल्कुल क्या आने वाले वक्तों में अगर आपको फंडिंग अगर मिलेगी बड़ा तो क्या काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम आने वाले दिनों में हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करके रखा है, जैसे हम आने वाले दिनों में एडुकेशन के ऊपर में हमने सोच के रखा है, बच्चों को फ्री एडुकेशन हम लोग देंगे, कुछ फ्री कोचिंग क्लासेस करवाएंगे, अगर उसके लिए अगर हमें किसी से डोनेशन मिलती है तो हम उसका सही तरह से यूटिलाइज करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। एडुकेशन में हमारा मेन मोटिव रहेगा ताकि हम सिर्फ गरीब बच्चों को ज़्यादा अच्छे से अच्छे एडुकेट कर सके, उन्हें अच्छी तालीम दे, उन्हें अच्छे कपड़े दे सके, उन्हें अच्छी स्टेशनरी दे सके और उन्हें अच्छा खाना दे सके। पहले तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी नाहिद फैज को और नाहिद फाउंडेशन को कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए और सबके लिए, मतलब ये एक वेमेंस के लिए भी काम कर रही हैं, वेमेंस एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं और बच्चों के लिए भी काम।
काम कर रही है जो कि आजकल सब कोई नहीं करता है, तो माशाल्लाह से वो आज वेल डिजर्व एक है। इनके लिए सारा आज मेरा सारा प्रायोरिटीज और सब कुछ आज नाहिद के लिए है। एंड जी मैं आज सिटी ऑफ जॉय के लिए ये बोलूँगी कि नाहिद मेरी कंटेस्टेंट भी है, जो मेरा पेजेंट आ रहा है मिस एंड मिसेस कोलकाता 2022 सिटी ऑफ जॉय, आज उसमें नाहिद हमारे साथ उसमें भी है वो कर रही है। और मैं आज राइजिंग वुमेंस जो मेरा फाउंडेशन है, जो जिसकी मैं को फाउंडर हूँ, जिसकी मैं फाउंडर हूँ, उसके बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं भी, हम लोग साथ मिलकर राइजिंग वुमेंस में भी काम कर रहे हैं, नाहिद फाउंडेशन में भी काम कर रहे हैं, और अभी हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाला है क्योंकि हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो 2 जनवरी को है। तो वी हैव अ टाइम टू गेट सम वाइल्ड कार्ड्स ऑल्सो। तो मैं ये सबको इनवाइट करूंगी कि प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। आज हम लोग आए थे नाहिद फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि नाहिद हमारी बहुत खासम खास दोस्त है। वो हमारे सिटी ऑफ जॉय में भी है, राइजिंग वुमन में भी है, तो वो राइजिंग वुमन की फाउंडेशन में भी हेल्प करती है, वो सिटी ऑफ जॉय में भी है एज अ कंटेस्टेंट। तो हम लोग सिर्फ आए उसको सपोर्ट करने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि वो जो भी करती है वो अपने दम पे करती है। उसने जो भी किया है, उसने किसी से फाउंडेशन से कुछ उठाया नहीं है, उसने अपने दम पे किया है। तो ऐसा बहुत कम मिलता है कि जो अपने बलबूते पे सब कुछ करके निकले, तो हम लोग इसीलिए उसको सपोर्ट करने आए हैं। सबसे पहले मैं नाहिद फाउंडेशन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसके रुए रवा फैज़ और नाहिद है। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये लोग आज के डेट में बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारे एनजीओस की मैं अपनी बहनों को यहां देख रहा हूं, हर एक एनजीओस के लोग। अपने लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए जो काम करते हैं उनमें कई खूबी भी रहती है, कई खामी भी रहती है, तो हमें इनकी खूबी देखनी चाहिए, खामी नहीं देखनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एनजीओस जो नए हैं और जो पुराने हैं, इनमें एक कंपटीशन होना चाहिए जो एनजीओ सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करे। हम सना अहमद और भी लोगों से हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे, जो एनजीओ सबसे ज़्यादा काम करेगी और ईमानदारी से काम करेगी, आने वाले साल हम लोग इस एनजीओ में जो टॉप रहेगा उसे एक अवार्ड भी से भी नवाजेंगे। नाहिद फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है आप, और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नाहिद जी को जो इसकी फाउंडर हैं, और उनके हस्बैंड को, फैज़ भाई को, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुझे इनवाइट करने के लिए एज अ गेस्ट। और अच्छा लगता है जब इस तरीके से कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है बच्चों के लिए। ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे जो आगाज़ किया गया बहुत ही अच्छा हुआ, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी द लोकल जर्नलिस्ट को, JKB न्यूज़ को और द कोलकाता न्यूज़ को, थैंक यू सो मच। ये बताया कि जिस तरह से आज धड़ल्ले से NGOs नए नए खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी अलामत है कि लोगों को इस बात का एहसास है कि कुछ किया जाए, कुछ करना चाहिए। खुद के लिए जीना तो सबके लिए आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत टफ है, बहुत। इसलिए जो लोग भी एनजीओ कायम कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले दिमाग में ये बात बसा लेना चाहिए कि ये एनजीओ खुद परस्ती के लिए नहीं है, खुद शनासी के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की शनाख्त और दूसरों की पहचान और दूसरों के काम के लिए ही एनजीओ कायम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है यासर हैदर, मैं आज नाहिद फाउंडेशन की तरफ से उनको पूरा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको और उनकी पूरी टीम को, कि उन लोग हर साल में 12 महीना में पूरा उन लोग हर हमेशा सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितने भी होपलेस जो और जितने भी लोग होते हैं सबको उन लोग बहुत मदद करते हैं। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ नाहिद जी को और उनकी पूरी टीम को, जो लोग हमेशा जो नीडी पीपल रहते हैं, जो जिनको ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनके पास हमेशा उनका पूरा टीम और वो स्पेशली खड़ी रहती हैं। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं 18 तारीख को नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मैं आउट ऑफ सेशन रहूँगा।